नमस्कार। BFR थर्ड के सभी बच्चों का स्वागत है। आज BFR थर्ड के बच्चों से कुछ बात करेंगे। BFR थर्ड के जो पाठ्यक्रम है उसमें एक तो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है जिसका नाम है आधुनिक चित्रकला का इतिहास, और ये 80 नंबर का है। और दूसरा जो प्रायोगिक है वो दो पेपर है। पहला प्रायोगिक पेपर है आपके स्टडी फ्रॉम लाइफ, यानी कि संपूर्ण व्यक्ति का जीवन अध्ययन करना है। सामने मॉडल के तौर पर पूरा एक जीवित व्यक्ति बैठेगा, उसका पूरा चित्रण करना है सर से लेकर पांव तक का, ऑयल कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर, जो भी आपको मीडिया पसंद हो वो करना है। और दूसरा जो प्रैक्टिकल पेपर है वो है पिक्टोरियल कंपोजिशन। पिक्टोरियल कंपोजिशन मतलब आपको कोई एक सब्जेक्ट दिया जाएगा जिस पे एक संयोजन, एक चित्र प्रस्तुत करना है, कंपोजिशन बनाना है, एक संयोजन बनाना है, और उसके बाध्यता है कि उसमें 3 मानव फिगर कम से कम होने आवश्यक है। साल भर सत्र पर्यंत आप प्रैक्टिकल कार्य करते हैं जिसमें जितने भी आप पोर्ट्रेट्स बनाते हैं यानी लाइफ्स बनाते हैं उसमें से बेस्ट 5 लाइफ और संयोजन में से भी बेस्ट 5 कंपोजिशन बनाते तो आप ज़्यादा हैं, 10, 12, 15, जैसे जो बच्चा जितना रेगुलर रहता है जितनी संख्या में बना लेता है, लेकिन बेस्ट 5 लाइफ स्टडी, बेस्ट 5 पिक्टोरियल कंपोजिशन, तो ये हो गए 10। उसके साथ में 100 पेजेस की एक स्केच बुक, ये सबमिशन के तौर पर प्रैक्टिकल से 20 दिन पहले जमा कराते हैं। जब परीक्षाएं होती है प्रैक्टिकल्स की तो उससे 20 दिन पहले वो जमा कराता है। तो 80 नंबर की तो आपकी होगी थ्योरी, और 50-50 नंबर के दो प्रैक्टिकल लगे, 50 स्टडी फ्रॉम लाइफ और 50 पिक्टोरियल कंपोजिशन, और 20 नंबर का आपका सबमिशन। ये 200 नंबर का आपका पाठ्यक्रम चित्रकला का है। तो क्योंकि आपने सेकंड ईयर के अंदर पोर्ट्रेट्स बनाए हैं प्रैक्टिकल में, तो कलर ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी है, संयोजन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी है, तो वो प्रायोगिक परीक्षाएं जब होगी तब उसमें स्टिल स्टडी फ्रॉम लाइफ और पिक्टोरियल कंपोजिशन आपको समझाया जाएगा। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र आधुनिक चित्रकला का इतिहास, अब जैसे नाम से ही विदित है आधुनिक, मॉडर्न, अब जैसे ही आधुनिक शब्द आपके जहन में आता है या मॉडर्न शब्द आपके जहन में आता है तो आपको क्या महसूस होता है? अगर जीवन शैली और जीवन पद्धति के बारे में देखें भई ये तो बहुत मॉडर्न है, तो उसका अर्थ क्या निकला? यानी वो अपने ढंग से जीने लग गया, वो नए नए उसके रुचि के वो वस्त्र पहनता है, नए नए रुचि के जूते पहनता है, और उसके रहने का, उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके सोचने का ढंग नया है, यानी आधुनिक है, मॉडर्न है। जैसे आम भाषा में कहते हैं फैशनेबल है, अरे फैशनेबल एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मॉडर्न है यानी वो अपना जीवन अपने हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार जीता है, उस पर किसी प्रकार की वर्जनाएँ नहीं है, बाध्यताएँ नहीं है, वो पुरानी रीति और परंपरा से थोड़ा बचकर चलता है, ये एक आधुनिक स्वरूप हो गया जीने का। वैसे ही कला में आधुनिक चित्रकला की अगर बात करें तो आधुनिक चित्रकला में भी जो चित्रकार है उसको स्वतंत्रता है कि वो क्या बनाए, कैसे बनाए, है ना, उसके पीछे किस उद्देश्य को लेके बनाए,
उद्देश्य में थोड़ा सा यहाँ ठीक यो नहीं लग रहा कि उद्देश्य तो कमर्शियल भी हो सकता है, कमर्शियल अपन पढ़ाते नहीं है, लेकिन जो भी उसका भावात्मक संप्रेषण का जो उद्देश्य है उसको लेके वो बनाता है। तो क्या बनाए, कैसा बनाए, ये उस पर निर्भर करता है चित्रकार पे कि वो क्या बना रहा है। ये आधुनिक चित्रकला का एक स्वरूप है। अच्छा, आधुनिक चित्रकला का तात्पर्य यह भी नहीं है कि जैसे आज कोई व्यक्ति बना रहा है अपनी रुचि से तो वो आधुनिक हो गया। हम कला इतिहास की दृष्टि से अगर आधुनिक देखें तो आधुनिक काल एक पर्टिकुलर पीरियड है, जो 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल तक ये चलता रहा है, मध्य तक भी चलता रहा है। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसके अंदर कलाकार नया नया आधुनिक हुआ था। नया नया आधुनिक हुआ का मतलब पहली बार उसको स्वतंत्रता मिली थी कि वो अपने ढंग से बना सके, अपने ढंग से चित्र की प्रस्तुति कर सके, उसका संयोजन अपने अनुसार बना सके, उसकी रंग योजना अपने अनुसार बना सके, पात्र का निरूपण वो अपने ढंग से कर सके, कंपोजिशन वो अपने ढंग से कर सके, बहुत सारी चीज़ें जो कलात्मक और वैचारिक है वो अपने ढंग से सोच कर वो बना सकता है। तो पहला पहला उसे मौका मिलेगा, तो उस दृष्टि से वो पहला आधुनिक चित्रकार या चित्रकला के रूप में मानते हैं। लेकिन केवल कालखंड ही महत्व तो नहीं रखता, इस कालखंड के अंदर कुछ नियम प्रतिपादित कर दिए गए थे। ठीक है, व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार बना रहा है, अपने विषय को चयन कर रहा है, रंग योजना अपने रुचि की ले रहा है, विषय चयन कर रहा है, लेकिन फिर भी रंगों का एक उसकी जो उपादेयता है रंगों की, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, उसका प्रयुक्तिकरण है, उसको अप्लाई किया जाता कैसे किया जाता है वो भी ध्यान में रखा जाता है, और पात्र का निरूपण किस ढंग से, उसको अभिव्यक्ति या उसकी प्रस्तुति किस ढंग से की जा रही है तो उसका भी कुछ ध्यान रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक कुछ नियम भी प्रतिपादित हुए जो आधुनिक कला को परिभाषित करते हैं, इंगित करते हैं कि ये कला जो है इन विशेषताओं को लेकर अगर बनाई गई है तो ये आधुनिक कला है। आधुनिक कला से आगे भी कला इतिहास चल पड़ा है। आधुनिक कला के बाद में उत्तर आधुनिक कला भी आई। उत्तर आधुनिक कला के बाद में कंटेम्पररी यानी समकालीन कला का दौर भी आया। समकालीन कला के दौर उत्तर समकालीन कला भी आया, चल रही आ रही है, या उस पर भी काम हो रहा है, नए पैटर्न भी डिजाइन हो गए हैं, नए पैटर्न भी तैयार चल रहे हैं। तो आधुनिक कला की जहाँ तक बात है, पर्टिकुलर उस पीरियड के अंदर कुछ कला सिद्धांतों को लेकर जो चित्र बनाए गए वो आधुनिक कला कहलाई। अच्छा, आधुनिक कला की भूमिका कैसे तैयार हुई, आधुनिक कला की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, और आधुनिक कला के उद्भव में किन किन परिस्थितियों ने सहयोग दिया, उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। अब जैसे भारत और यूरोप दोनों की बात करें, यानी पाश्चात्य चित्रकला और भारतीय चित्रकला की बात करें, तो आधुनिकता के बारे में तो आपने ये समझ लिया कि ये चित्रकार अपने व्यक्तिगत रुचि और व्यक्तिगत शैली के अंदर वो अपना चित्र बनाता है। तो आधुनिक कला से पहले क्या था, आधुनिक कला से पहले उसको इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कला का जो स्वरूप चलता आ रहा है उसके अंदर कलाकार आश्रित रहता है। पहले वो धर्म के आधार पर आश्रित रहा, फिर वो शासन के दरबार के आश्रय में वो अपनी कला रचना करता था। धीरे धीरे उस पर साहित्यिक प्रतिबंध और शास्त्रीय प्रतिबंध भी आने लगे, तो कलाकार मूलतः धर्म से, शासन से, शास्त्रों से बंधकर चित्रण किया करता था आधुनिक काल से पूर्व। और आधुनिक काल में आने के बाद में उसे वह निजी स्वतंत्रता मिली। भारत में और कमोबेश यही स्थिति पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य कला की भी रही है। वहाँ भी वह धर्म से और शासन से
और साहित्य से बंधकर ही चित्रण उसने किया आरंभ के दौर में। भारत में जहाँ अजंता में भगवान बुद्ध, अपभ्रंश में जैन धर्म, उसके बाद में लघु चित्रण परंपरा के अंदर राजाओं का, दरबारों का उस पर प्रभाव, आधिपत्य और अंकुश, उसके साथ में धार्मिकता तो चल ही रही है, उसके साथ में साहित्यिक कुछ प्रतिबंध भी आ गए, साहित्यिक रुचियां जो आगे जाकर एक पैटर्न में बदल गई, लोग उसमें बनाने के लिए प्रेरित होते रहे, तो वो उन पर आधारित थे, धर्म पे हो गया, शासक पे हो गया, साहित्य पे हो गया, तो कलाकार ने खुद अपना कभी नहीं सोचा। अच्छा, आपने भारतीय संदर्भ में तो देखा भी होगा कि जितना कला का इतिहास रहा है, अजंता से लेकर पटना काल से पहले तक पढ़ा है, भारतीय चित्रकला तो पढ़ी हुई है, तो क्रमबद्ध आपको याद ही होगा, सेकेंड ईयर के अंदर तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट चलता ही था, तो उस पूरे काल क्रम में कहीं भी चित्रकार के हस्ताक्षर आपने देखे? नहीं देखे होंगे। हाँ, जहांगीर काल में कुछ पशु पक्षियों के चित्रण में उस्ताद मंसूर के, दसावन के, इनके ज़रूर आपने हस्ताक्षर कहीं देखे होंगे या उनका नाम का जिक्र कहीं हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा अजंता में किसी कलाकार के हस्ताक्षर आप नहीं देख पाओगे। अपभ्रंश में पोथी चित्रण बहुतायत से हुआ, लेकिन कहीं पर भी उस पर चित्रकार का नाम नहीं है। मिनिएचर पेंटिंग, चाहे राजस्थानी हो, मुगल हो, पहाड़ी हो, दक्कन हो, कहीं भी आपको चित्र के अंदर साइन नहीं दिखेंगे, हस्ताक्षर नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्तिकता वहाँ पनपी ही नहीं। जीवन पद्धतियों का भी फर्क रहा। भारत में जहाँ सामूहिक जीवन पद्धति को लेकर अपन बात करते हैं कि वहाँ हमारे भारत में क्या होता है कि हम व्यक्ति को महत्व नहीं देते, व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। तो आपने देखा होगा कि अजंता से लेकर आज तक कहीं भी यथार्थ चित्रण नहीं हुआ। यथार्थ चित्रण क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के या भगवान कृष्ण के, इन सब के पात्रों में हमने व्यक्ति नहीं देखा, हमने व्यक्तित्व देखा, हमने बोधत्व देखा, हमने जैनत्व देखा, हमने शैवत्व या वैष्णवत्व देखा, लेकिन हमने कहीं पर भी व्यक्ति को नहीं देखा। तो उसके व्यक्तित्व के अनुसार हम पात्र का चित्रण करते रहे हैं, तो एक शैली के रूप में पात्र का चित्रण करते रहे हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप के अंदर क्या था कि वो आरंभिक ईसाई कला और इजिप्ट की कला के अगर बारे में बात करें तो थोड़ा शैलीगत प्रभाव था, इजिप्ट में शैलीगत प्रभाव था, अर्ली क्रिश्चियन पेंटिंग्स में भी था तो यथार्थ पर की, लेकिन फिर भी छाया प्रकाश का और इतना यथार्थ के अंदर पारंगतता नहीं थी, एक सरलीकरण, एक सपाट रूप था, तो हल्का सा कहीं शैली रूप में उसमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यक्तित्व को महत्व दिया। क्यों? अर्ली अगर क्रिश्चियन पेंटिंग्स की बात करते हैं तो बाइजेंटाइन और गोथिक में जैसे मैसेचियो, सीमा बुए और जियोटो जैसे चित्रकार भी हुए जिनके हस्ताक्षरित चित्र भी वहाँ पर है, तो व्यक्ति कलाकार वहाँ अपना एक महत्व रखता था और अपने यहाँ सामूहिकता थी। एक बड़े चित्र को बनाने में कई कलाकार उसमें कार्य करते थे, सामूहिक भाव से कार्य करते थे। आज भी भारत में जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स का जो काम चलता है, जो रंगशालाएं चलती है या कला दीर्घाएँ चलती है जो काम करती हैं, तो आपने देखा होगा कि मिनिएचर पेंटिंग के जो कला की जो विधि है उसमें पहले पेपर की आराइश करके उसको चिकना किया जाता है, फिर उसकी भराई की जाती है, फिर ड्राइंग होती है, फिर खुलाई ड्राइंग होती है, फिर भराई होती है, फिर खुलाई होती है, और उसमें जाली झरोखों का कोई सिद्ध कलाकार अलग है, कोई चेहरे खुलाई चेहरों की खुलाई करने वाला अलग है, तो एक ही चित्र कई हाथों से निकलता है, तो सामूहिक बोध उसमें बना रहता है। लेकिन
पाश्चात्य जगत में ऐसा नहीं, पाश्चात्य जगत में जिस कलाकार ने काम किया उसकी कलाकार की भूमिका वहाँ इंगित होती है, वहाँ अभी आपको प्रदर्शित होती है, देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी कलाकार व्यक्तित्व, कलाकार अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता था लेकिन उसकी कला नहीं देख पाती थी। कला फिर भी धर्म के अधीन थी। पहले आरंभिक ईसाई कला के अंदर वो ईसा मसीह से संबंधित चित्रों को, उसके जन्म के, उसके माता मरियम के, बेड़ों के, तो बपतिस्मा के, क्रूसीफिकेशन के, यानी ईसाई धर्म से जुड़े हुए अनेक विषयों को लेकर वो चित्र बनाता रहा, ठीक है। और इजिप्ट में अगर देखोगे तो उनकी भी एक कला परंपरा है, एक शैली है, उसके अनुसार वो चित्र बनाता रहा है। उसके बाद में कुछ उनमें भी आधुनिकता आई और प्रभाववाद, एक वहाँ वाद है जहाँ अपने यहाँ शैलियाँ हैं वहाँ वाद है। तो प्रभाववाद के बाद में 18वीं शताब्दी के आरंभ में प्रभाववाद का जब आरंभ हुआ तो कुछ नवीन अन्वेषण भी हुए। उस वक्त दो बहुत बड़े अन्वेषण हुए जिसमें कला के अंदर एक नई क्रांति पैदा की। पहला तो प्रकाश में खोज किया गया कि भाई सारे रंग इस प्रकाश के अंदर ही विद्यमान है, तो उनका एक दृष्टिकोण प्रकाश को लेकर एक आकर्षण पैदा हुआ और प्रभाववाद सारा प्रकाश ये प्रभाव को लेकर ही चित्रित हुआ। जब इसके बारे में अलग से अपन बात करेंगे तो इसको बताएंगे। और साथ ही साथ फोटोग्राफी का भी ईजाद हो गया था। उस ईजाद होने से जो कलाकार 10 दिन 15 दिन लगा कर एक पोर्ट्रेट बनाता था, कैमरा तो झटके में खींच देता था, तो चित्रकारों को कहीं अस्तित्व पर भी उनको लगा, तो उन्होंने यथार्थपरकता से हटकर ऐसा क्या दें कि जिसे कला और कला की कलाकार का सम्मान समाज में बना रहे, उस तरह प्रयास किए जाने लगे। इससे पहले प्रभाववाद से पहले जैसे नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद और यथार्थवाद, इनकी सबकी अलग अलग महत्ता है, लेकिन जैसे यथार्थवाद है तो पूर्ण रूप से यथार्थ चित्रों का यथार्थ चित्रण किया करता था। जैसे यथार्थवाद का चित्र था गस्ता पूर्वे, उसने कहा भाई मेरे सामने तो तुम देवता ला के खड़ा कर दो, मैं उसको भी चित्रित कर दूँगा। तो यथार्थता के प्रति इतनी गहन रुचि थी कि वो बालों के रोम रोम तक को बना देते थे यथार्थवाद। हालांकि हाइपर रियलिज्म बाद में एक अलग इज्म डेवलप हुआ जो बहुत ही ज़्यादा यथार्थपरक उसका दृष्टिकोण था, उसकी प्रस्तुति थी, लेकिन यथार्थवाद में भी यथार्थ तथा थी, जैसा दिखता है वैसे चित्र वो बनाया करते थे। नवशास्त्रीयवाद का अलग है, हालांकि आपका जो पाठ्यक्रम है वो नवशास्त्रीयवाद से शुरू होगा तो वहीं से भी कर देंगे, लेकिन सामान्य भूमिका में माना यह जाता है कि आधुनिक कला का जन्म जो प्रभाववाद से शुरू हुआ। प्रभाववाद में भी उत्तर प्रभाववाद के अंदर जो कलाकार, उत्तर प्रभाववाद के तीन कलाकार थे, विंसेंट वान गोग, पाल सेजा और पाल कोटी। तो जो पाल सेजा को आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी कहते हैं, तो आधुनिक कला के बारे में अपन हल्का सा ये जाना है, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।